सर्दियों का मौसम यानी बढ़ती ठंड और इस बढ़ती ठंड की मार झेलती है आपकी बेचारी नाम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली शर्मा और आप देख रहे हैं JJN की एक और खास पेशकश। सर्दी के मौसम हो या बेमौसम सर्दी, नाक बंद होने की समस्या हर किसी के साथ होती है, लेकिन जब बंद नाक की वजह से घुटन होने लगे तो समस्या गंभीर हो सकती है। इसीलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसी अचूक घरेलू उपाय जो आपकी बंद नाक को बिना किसी महंगी दवा के ही ठीक कर देंगे। अगर आपकी नाक बंद है और सांस लेने में परेशानी हो रही है तो सबसे पहला और आसान सा तरीका है भाप की मदद। बंद नाक खोलने का ये तरीका काफी पुराना और प्रभावकारी है। इसके लिए पानी गर्म करके उसमें खुशबूदार तेल की कुछ बूंदें डाल लें या इसमें आयोडीन की कुछ बूंदें या फिर विक्स कैप्सूल भी डाल सकते हैं। बर्तन की ओर चेहरा करके भाप लें, ये नाक खोलने के साथ ही सर्दी में भी आपको आराम देगा। दूसरा तरीका है छोटा व्यायाम। गहरी सांस लेकर सिर को पीछे की ओर झुकाएं और कुछ समय के लिए सांस को रोक कर रखें। इसके बाद नाक खोलकर सांस लेने में आसानी होगी। इस तरीके को आप कुछ बार दोहरा भी सकते हैं। तीसरा घरेलू उपाय है कपूर की महक। बंद नाक को खोलने का ये काफी अच्छा तरीका है। आप चाहे तो इसे नारियल के तेल के साथ मिलाकर सूंघ सकते हैं या फिर सादा कपूर सूंघना भी आपको फायदा देगा। इसके अलावा नाक को गर्माहट देकर भी बंद नाक को आसानी से खोला जा सकता है। चौथा नुस्खा है गरम सेक। अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो सूती रुमाल लेकर उसे खोलते पानी में डालें और उसको अपनी नाक के ऊपर रख दें। 2 मिनट में ही आपको इससे आराम मिल जाएगा। चाहे तो रुमाल को प्रेस से भी गर्म कर सकते हैं और फिर माथे नाक गले की बारी बारी से सिकाई करें। इस तरीके को आप इंस्टेंट रिलीफ भी कह सकते हैं। पांचवा तरीका बहुत फेमस होने के साथ काफी प्रभावी भी है। जी हाँ, नींबू की चाय। गर्म ब्लैक टी में कुछ बूंदे नींबू के निचोड़ कर पी लें। आप चाहे तो इसमें एक छोटा चम्मच शहद भी मिला लें। इसे सेवन से आपके बंद नाक तुरंत ही खुल जाएगी। छठा नुस्खा आमतौर पर घरों में रोजाना ही इस्तेमाल होता है। नीलगिरी या सरसों के तेल को गर्म करें, हल्का ठंडा होने पर इसकी 2 बूंदें नाक में टपकाएं। इससे तुरंत ही राहत मिल जाएगी। ऐसा रात को सोने से पहले भी करें। सातवें तरीके में आप वेजिटेबल सूप बनाकर उसमें 3-4 पिसी हुई लहसुन की कलियां डालकर पिए। ये सूप आपको काफी फायदा पहुंचाएगा। इसके अलावा लहसुन को कुछ लोग कच्चा भी खाते हैं, जो आपको अपने आप ही फायदेमंद होता है। आठवां और आखिरी उपाय है तुलसी के पत्ते। कुछ ताजी धुली हुई तुलसी की पत्तियों का सेवन करें, इससे आपकी सर्दी तुरंत ही चली जाएगी। तो ये थी हमारी खास पेशकश जिसमें हमने आपको बताए कुछ घरेलू नुस्खे अपनी बंद नाक को खोलने के। आपको कैसी लगी हमारी ये खास पेशकश कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपके लिए ऐसे ही जरूरी और काम की जानकारियां लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज के साथ। धन्यवाद।